सोलन से नेपाल के लिए सीधी बस में बिठाने के बहाने दो अज्ञात लोगों ने नेपाली मूल के मजदूर से मोबाइल और 80,000 रुपए लूट लिए। पैसे लूटने के बाद उसे सोलन के साथ लगते बग्गड़ गांव के जंगल में बेसुध हालत में छोड़ दिया। जहां ग्रामीणों ने उसे देखा तो उसकी हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भर्ती करवाया। अब उसकी हालत ठीक है। होश में आने के बाद इस नेपाली मूल के व्यक्ति, जिसका नाम भूपेंद्र है, उसने बताया कि वह शिमला जिला के फागू में सेब के बगीचों में कार्य करता है और वहां से कमाए 80,000 रुपए लेकर वह नेपाल के लिए निकला था। शिमला बस स्टैंड पहुंचने पर उसे दो व्यक्ति मिले। उन्होंने उसे कहा कि सोलन से सीधी नेपाल की बस मिलती है, वहां से उसे बस में बिठा देंगे। उन पर विश्वास करते हुए वह उनके साथ सोलन आ गया, जहां उनके द्वारा उसे जूस पिलाया गया। उसके बाद वह बेसुध हो गया। बगड़ में रहता हूं, तो हमारा स्थाई निवासी समझ लो। तो ये लड़का जो है रात को कहीं जंगल में किसी ने फेंक दिया था मेरे ख्याल से। उसके बाद ये जंगल से लुढ़कता लुढ़कता हमारे घर के आसपास आ गया था। तो रात को मेरा जीजा बाहर निकला होगा, जब कुत्ता भौंका तो इसको लेके अंदर लेके और कमरे में सुला दिया। सवेरे मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हालात है और बंदा को लेके आए। तो मैं जाके देखा तो इसके हालात नहीं था बात करने की। तब भी मैंने पूछने की कोशिश करी तो बोलता भी मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ दो बंदे थे, बोलता मेरे को 50,000 थे, मेरे 80,000 थे ऐसा बोल रहा था। तो मेरे को लूट दिया। तो मैं बोला तेने नशा पता किया होगा। तो बोलता मैं नशा पता तो करता नहीं हूँ। बोलता मेरे को ठंडा बोलता माजा का बोतल दिया पीने को। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो बोलता थ्री व्हीलर करके कहीं जंगल में ले आए, बोलते मेरे को वहाँ पे उतार दिया उन्होंने। उसके बाद बोलता है मेरे जेब में हाथ डालने लगे, पैसे निकालने लगे। तो मैंने मना किया, बोलता मैंने इतनी मेहनत से कमा के ले आऊँ, पैसे मत करो ऐसा। लेकिन उन्होंने निकाल दिया, बोलता अभी मेरा बैग भी नहीं है। उसके बाद मेरे को बेहोशी में आ गया, ना मेरे पास बैग है, बोलता मेरा बैग भी नहीं है, फोन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो ये हालात। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।